तो आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। रीड कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए, मैंने आपके लिए ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है, जैसा कि हमेशा आपके लिए तैयार रहता है, और एक बढ़िया सी मैंने आपके लिए बिल्डिंग भी बना दी है इस बार, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर, और इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है एक टावर जिसकी हाइट हमें नहीं पता, लेट से हाइट ऑफ द टावर बी एक्स, ठीक है। और किसी एक पॉइंट से जब आप इस बिल्डिंग के टॉप पर, इस बिल्डिंग के टॉप पर देखते हो तो 45 डिग्री का, अरे रे रे बेटा गलती से मिस्टेक, अच्छा हाँ ठीक तो है भाई, 45 डिग्री बनेगा। और जब आप इस टावर के टॉप पर देखोगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीजें आपको दी हुई हैं, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है, एंगल ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग के टॉप पर देखोगे तो 45 डिग्री, एंड एंगल ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, जैसा कि आपको दिया हुआ है। अब देखिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग BC इज इक्वल टू कितना? 20 मीटर। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इधर, लेट से लेट हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर को की हाइट को कितना माना है? टावर की हाइट को हमने माना है DC, which is what? X meter, ठीक है। अब हम करने क्या वाले, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं। पहले मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से ये वाला बेस निकालने वाला हूं, ठीक है। फिर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में दोबारा से फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसमें बेस की वैल्यू दी हुई होगी, ये भी दिया हुआ होगा, ये हमें निकालना है, बड़े ही आराम से निकल आएगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला भाई? पहले तो छोटा वाला ए बी सी, ठीक है। अब देखो, हमें बेस निकालना है, और एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब पी ओवर बी। कौन सा फॉर्मूला? टी शर्ट वाला, पी ओवर बी। यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दिया हुआ, वैसे टेन थीटा का पी ओवर बी भी होता है। अब देखो इधर, टेन थीटा क्या होता भाई? पी ओवर बी, ठीक है। थीटा कितना? थीटा इज वॉट? 45। परपेंडिकुलर इज वॉट? पी सी। एंड बेस इज वॉट? ए बी, ठीक है। टेन 45 कितना होता है? 1। बी सी कितना दिया हुआ है? 20। ए बी हमें नहीं पता, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब ए बी कितना आने वाला है? कितना आने वाला है? 20 मीटर। समझ में आ गई बात? चलो जी आगे देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला? ए बी डी, ए बी डी नजर आ रहा है बड़ा वाला, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, यही फॉर्मूला लगाना भाई। टेन थीटा, थीटा इस बार कितना है? 60। परपेंडिकुलर कितना है? बी डी। एंड बेस कितना है? ए बी, ठीक है। टेन 60 कितना होता है भाई? रूट 3। बी डी कितना है? देखो बी डी कितना है? x प्लस 20, ठीक है भाई। एंड ए बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? 20। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 रूट 3। अब देखो ये प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस, तो अब अगर आप 20 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, माइनस। तो ये है एक्स, और एक्स क्या था? हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर इज कितनी? 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। एक बार चेक कर लिया करो, रूट 3 की वैल्यू तो पुट करने के लिए नहीं दी हुई है, हाँ जी नहीं दी हुई है, तो यही है आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से और आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर जिनको नहीं आ रहा, पहले इंट्रोडक्शन वाली जाके वीडियो देखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन तो आप खुद से कर लोगे। नोट इट डाउन।